हेलो बच्चों किंगडम प्रोटेस्टा हम लोग कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा लेक्चर किंगडम प्रोटेस्टा में ऑल सिंगल सेल यू को रखा गया इसकी बाउंड्री बेल डिफाइंड नहीं है इसके अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टन भी पाए जाते हैं जो एक बायोलॉजिस्ट के तौर पे प्लांट भी कहा जा सकता है इस किताब में जो प्रोटेस्टा के बारे में दिया गया है उसमें कौन कौन इंक्लूड किए जाते हैं तो पहला क्राइसोफाइट्स डाइनोफ्लेजलेट्स यूगलिन स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स प्रोटेस्टा के अंदर रखे जाते हैं इम्पॉर्टेंट है और मेंबर्स ऑफ प्रोटेस्टा प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं इस किंगडम का लिंक प्लांट से भी है एनिमल से भी है और फनजाई से भी है क्योंकि डाईटम्स के अंदर डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर वॉल पाई जाती है इसलिए प्लांट से भी रिलेट करता है एनिमल से रिलेट ऐसे करता है कि यूग्लिनोइड्स के अंदर और प्रोटोजोन्स के अंदर सेलवॉल नहीं पाई जाती है तो एनिमल से रिलेट करता है फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं और स्लाइम मोल्ड्स जो कि प्रोटेस्टा में हैं वो भी डिकम्पोजर होते हैं तो तीनों से रिलेट कर रहा है यू होने के नाते प्रोटेस्टा की सेल बॉडी के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और बाकी सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनल पाए जाते हैं कुछ में मूवमेंट के लिए फ्लैजिला और सीलिया पाया जाता है जैसे डाइनोफ्लैजलेट का मतलब दो फ्लैजिला यूग्लिनवाइड्स में भी दो फ्लेजिला पाए जाते हैं इसके अलावा प्रोटोजोन्स में सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनमें सीलिया पाए जाते हैं जैसे पैरामीसियम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं उनमें फ्लेजिला पाए जाते हैं जैसे ट्रिपेनोसोमा प्रोटेस्टा रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली भी करता है बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन से और सेक्शुअली कैसे करता है प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन सेल फ्यूजन का मतलब गेमिट इज ऑल्सो अ सेल तो गेमिट का जो फ्यूजन होता है उसे सेल फ्यूजन एंड देन जाइगोड फॉर्मेशन तो आपने देखा था मोनेरा में सॉर्ट ऑफ प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिला था जिसे कंजुगेशन जानते थे और प्रोटेस्टा में पहली बार आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नज़र आएगा जाइगोड का फॉर्मेशन नज़र आएगा नेक्स्ट आते हैं क्राइसोफाइड्स पे इस ग्रुप के अंदर डाइटम्स और गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स को इंक्लूड किया जाता है फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पानी में वाटर करेंट के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं इनको प्लैंकटॉन्स बोलते हैं ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं डायटम्स की सेल वॉल साबुनदानी के दो ढक्कन की तरह जो एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं और फिट होती हैं उनकी तरह होती है और इनकी वॉल में सिलिका पाया जाता है जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल कभी तोड़ी नहीं जा सकती है कभी डिस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती इनडिस्ट्रक्टिबल है और डाईटम्स जब मरते हैं तो ये इंडस्ट्रिक्टिबल वॉल का या वॉल का डिपॉजिट हैबिटेट में जमा होने लगता है और बिलियन ऑफ ईयर्स में ये जमा होते होते एक बहुत बड़ा एकूमुलेशन पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं डाई एटोमैसियस अर्थ और ग्रिटी होने स्टोनी नेचर होने के नाते इसको पॉलिसिंग में फिल्ट्रेशन ऑफ आयल्स में तो बच्चों इसकी जो सेलवॉल का डिपॉजिट है वो ग्रिटी या स्टोनी होने के नाते इसको पॉलिसिंग में फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप में यूज़ करते हैं डाइटम्स अच्छे फोटोसिंथेटिक होते हैं इसीलिए इन्हें चीफ़ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन कहते हैं समंदर के अंदर ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो इस स्पेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है सिंगल सेल्ड यू मार्क करिए बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड मार्क करिए और किसको इंक्लूड करते हैं क्राइसोफाइट डायनोफ्लैज यूग्लिन मोल्स एंड प्रोटोजोन मार्क करिए प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं मार्क करिए इसका लिंक प्लांट एनिमल फनजाई से कैसे होता है ध्यान रखिए और यू कैरियॉट हैं तो इसमें ए, सारे ऑर्गेनल पाए जाएंगे मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियस पाया जाएगा मूवमेंट है तो सीलिया और रिप्रोड्यूस करेंगे इज सेक्चुअली बाई स्पोर फॉर्मेशन एंड बाइनरी फ्यूजन और सेक्शुअली बाई सेल्फ फ्यूजन या गेमिट फ्यूजन बाई जाइगोड फॉर्मेशन और साथ में क्राइसोफाइट्स के बारे में बात करें किसको इंक्लूड करते हैं डाइटम गोल्डन एलगी फ्रेश वाटर मैराइन दोनों में पाए जाते हैं माइक्रोस्कोपिक फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं सेलवॉल साबुनदानी की तरह ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है उनमें सिलिका होती है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है और मरने के बाद वो अपने पीछे बहुत सारा हैबिटेट में छोड़ जाते हैं डिपॉजिट बिलियंस ऑफ ईयर्स में जब ये डिपॉजिट हो जाता है तो इसे डायटोमाइसियस अर्थ बोला जाता है और इसके ग्रिटी होने की वजह से इसे पॉलिसिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सीरप सीरप में इस्तेमाल करते हैं और डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियंस ये ध्यान रखना है नेक्स्ट है बच्चों डायनोफ्लेज्स ज़्यादातर मैराइन होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं इनकी सेल में मेन पिगमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि इनका कलर कैसा होगा येलो हो सकते हैं ग्रीन ब्राउन ब्लू हो सकते हैं रेड हो सकते हैं और साथ में इनकी सेल वॉल के ऊपर स्टिफ सेल्लोज की प्लेट्स आउटर सरफेस पे पाई जाती है ज़्यादातर दो फ्लैजिला रखते हैं एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्स होता है जो सेल वॉल प्लेट्स के बीच में जो फरो होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है ज़्यादातर ये रेड डाइनोफ्लैजलेट जिसका एक एग्ज़ाम्पल गियोलैक्स है वो इतना तेज़ मल्टीप्लाई करता है कि पूरे समंदर को रेड अपियरेंस में ला देता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि समंदर की लाल लहरें नज़र आती हैं इसे रेड टाइड बोलते हैं और टॉक्सिन्स भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म द्वारा रिलीज किए जाते हैं डाइनोफ्लाइजिलेट के जो मैराइन एनिमल्स जैसे फिशेज को मार भी सकते हैं नेक्स्ट आते हैं बच्चों यूगलिन ज़्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं और स्थिर पानी में होते हैं स्टेगनेंट वाटर में होते हैं इनमें सेलवॉल नहीं पाई जाती है सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल पाई जाती है जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है इनमें भी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं एक शॉर्ट एक लॉन्ग एक छोटा एक बड़ा ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं लेकिन तभी जब सनलाइट प्रेजेंट होती है जब सनलाइट डिप्राइब्ड होती है नहीं होती है तब ये हेट्रोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को प्रिडेट कैच की लैंड ईट करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें पिगमेंट्स जो पाए जाते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट्स के जैसा आप जानते हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी एग्ज़ाम्पल है युगलिना नेक्स्ट है बच्चों मोल्ड्स स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइटिक हैं सेप्रोफाइटिक प्रोटेस्ट का मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करे इसीलिए इन्हें प्रोटेस्टियन डिकम्पोजर भी कहा जाता है इन्हें फाल्स फंजाई भी बोला जाता है इनकी बॉडी जो है वो डिकेइंग ट्विक्स जो लकड़ी के लट्ठ हैं उनके जो डिके कर रहे हैं उनमें पाए जाते हैं ऐसी पत्तियाँ जो एकदम सड़ने वाली हैं इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल ऐसी पत्तियों में पाए जाते हैं तो डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इनकी बॉडी वहाँ पाई जाती है अगर सुटेबल कंडीशन है तब तो ये एक साथ एग्रीगेट हो के प्लाज्मोडियम बनाते हैं फेवरेबल कंडीशन सुटेबल कंडीशन में जो ग्रो करती है और कई फिट तक ये फैलती चली जाती है लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में यह प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होती है और खुद ही फ्रूटिंग बॉडीज बना लेती है जिसके टिप पर स्पोर्स पाए जाते हैं और स्पोर्स में ट्रू सेल वॉल पाई जाती है और ये स्पोर्स एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं कई सालों तक मेनी ईयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं इवन कि अगर एडवर्स कंडीशन है तो भी और स्पोर्स का जो डिस्पर्जल होता है ध्यान रखना है स्पोर्स का गेमिट्स का नहीं स्पोर्स का जो डिस्पर्जल है वो हवा के द्वारा एयर करेंट के द्वारा होता है नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोन्स जितने प्रोटोजोन हैं ऑल प्रोटोजोन्स है जो हैं वो हैट्रोट्रॉप हैं और लिव एज प्रीडेटर कैच की लैंड ईट करके खाते हैं या फिर पैरासाइट हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स क्योंकि इनमें भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है और ये चार ग्रुप में बांटे गए हैं प्रोटोजोन्स पहला है अमीवायड प्रोटोजोन्स दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स सिलटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अमीवायड प्रोटोजोन्स तो ये ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहते हैं सी वाटर में रहते हैं मतलब मैराइन में और मोइस्ट सॉयल में रहते हैं और ख़ास बात कि ये स्यूडोपोडिया के द्वारा मूवमेंट करते हैं स्यूडोपोडिया मतलब फाल्स फीट क्या बोलेंगे फाल्स फीट या स्यूडोपोडिया के द्वारा मूवमेंट करते हैं और स्यूडोपोडिया से ही ये मूव करते हुए अपने प्रे को कैप्चर करते हैं जैसा कि अमीबा में आप आसानी से फाल्सफीट या सीडोपोडिया को देख सकते हैं और मैराइन फॉर्म्स जो हैं उनमें ध्यान रखना मैराइन फॉर्म्स जो हैं जो समंदर में पाई जाती हैं उनके अंदर सिलिका की शेल या कवच पाया जाता है सरफेस पे और कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट होते हैं जिनमें से एक बहुत फैमिलियर है एंट ट्रेंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में आपने डिजीज पढ़ा भी है अमीबिक डिसेंट्री भी कॉज करता है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगला हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स इसके जो मेंबर हैं वो आइदर फ्री लिविंग हैं या पैरासाइट हैं इनमें भी फ्लैजिला होगा ही होगा नाम फ्लैजिलेटेड है पैरासिटिक फॉर्म्स डिजीज कॉज करती हैं जैसे स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा कॉज करता है नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन नाम से पता चल रहा है सीलिया होंगे सीलिया होने का मतलब मूव करने के लिए पानी चाहिए तो एक्वेटिक भी हो, होंगे एक्टिवली मूविंग एक्टिव मूव करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी थाउजेंड्स ऑफ सीलिया और इनके अंदर एक कैविटी है जिसका नाम है गलेट जो जाके सेल सरफेस के आउटसाइड ओपन होती है जहाँ पर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया से ये वाटर के अंदर प्रेजेंट फूड को लगातार खींचते हैं और गलेट के अंदर लगातार ये डालते रहते हैं तो याद रखिए इनकी सेल सरफेस पे बाहर की तरफ एक कैविटी की ओपनिंग गलेट बोलते हैं जिसे वो खुलती है जिसके अंदर सीलिया की मदद से पानी में प्रेजेंट जो फूड है उसको खींच खींच के खींच खींच के गलेट के अंदर डालते रहते हैं इससे अपना फ़ूड लेते हैं एग्जाम्पल पैरामीशियम है और नेक्स्ट है इस्पोरजोन्स इनके अंदर डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं और जो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज अपनी लाइफ साइकिल में रखते हैं सबसे ज़्यादा नोटोरियस और आवारा जो है वो है प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है जिसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है और इस डिज़ीज़ का जो इफेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन पे, वो बहुत स्टैगरिंग है बहुत ज़बरदस्त है तो ये रहा आपका पूरा का पूरा किंगडम प्रोटेस्टा नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा किंगडम फनजाई फंजाई जो है एक यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है इसमें कोई भी ऑटोट्रॉप नहीं है डी कम्पोजर हैं सेप्रोफाइट हैं पैरासाइट हैं सिम्बायोटिक हैं लेकिन सारे के सारे एज इट इज़ आप देखेंगे तो कोई भी फोटोसिंथेटिक नहीं है तो यूनिक किंगडम है ये और ये ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी और डाइवर्सिटी इन हैबिटेट शो करते हैं जैसे अगर आपने देखा हो तो ब्रेड हो जिस पर फंगस डेवलप हो जाती है कई दिनों में या फिर अगर संतरा कहीं रख दिया हो तो वो सड़ जाता है क्यों तो ब्रेड के ऊपर जो आप देखते हैं मॉल वो क्या है फंजाई है और जो संतरा सड़ गया वो भी किसकी वजह से फंजाई की वजह से कॉमन मशरूम जो आप खाते हैं वो भी क्या है फंजाई टोड स्टूल क्या है फंजाई टोड स्टूल मोस्टली जहरीले जो होते हैं जो पॉइजनस मशरूम होते हैं उनके लिए बात की जाती है ऐसे ही वाइट स्पॉट अगर आप सरसों की पत्तियों के ऊपर देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद दाग देख रहे हैं तो वो किसकी वजह से है पैरासिटिक फंगस जिसका नाम है एल्ब्यूगो ऐसे ही कुछ यूनिसेलुलर फंजाई याद रखिएगा मार्क करिएगा सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जाम्पल है ईस्ट या सेक्रोमाइसीज जो ब्रेड और बियर बनाने में मदद आती है वो भी फंजाई में ही इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल फंजाई से रिजम्बल करती है जबकि वो है क्या यूनीलुलर याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनली ईस्ट को फनजाई के अंदर रखा जाता है अगला ऐसे ही है कुछ और डिजीज़ काज करने वाली फंजाई हैं जो प्लांट और एनिमल में डिजीज़ कॉज कर सकती हैं वीट रस्ट गेहूं के अंदर रस्ट डिजीज़ पक्सिनिया काज करता है और कई सारी फंजाई एंटीबायोटिक का सोर्स भी हैं जैसे पेनिसिलियम पेनिसिलिन देती है फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है हर जगह पाई जाती है हवा में पानी में मिट्टी में एनिमल्स के ऊपर प्लांट्स के ऊपर हाँ ये प्रेफर करते हैं वहाँ ग्रो करना जहाँ वार्म और ह्यूमिड प्लेस होता है क्या आप कभी वो आश्चर्यचकित होते हैं कि क्यों आप जो है रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हैं हाँ इस बात को हम जानते हैं क्यों? कि उस पर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से वो ख़राब ना हो जाए उससे प्रिवेंट करने के लिए हम फ्रिज में रखते हैं या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं एक्स ईस्ट के एक्सेप्शन के साथ जो कि यूनिसेलर को होने के बावजूद भी फंजाई में है फंजाई फिलामेंटस होती है ईस्ट फिलामेंटस नहीं है फंजाई फ़िलामेंटस होती है ईस्ट फंजाई में होने के बावजूद ये एक्सेप्शन के तौर पे है दियर बॉडीज़ इनकी जो बॉडी होती है फंजाई की वो लॉन्ग होती है सिलेंडर धागे लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हाइफी कहते हैं अगर वो हाइफी बहुत सारी मिल जाए नेटवर्क बनाएं तो उन्हें माइसीलियम कहते हैं कुछ हाइफी तो कंटिन्यूस ट्यूब लाइक होती हैं उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज ऐसी हाइफी को सीनोसिटिक हाइफी कहा जाता है ठीक है और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो सेप्टा भी रखती हैं तो उन्हें सेप्टेड बोलते हैं क्रॉस वॉल्स बोल सकते हैं इन दियर हाइफी और सेलवॉल ऑफ फंजाई जो है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है ज़्यादातर फनजाई फनजाई होती हैं अपना सोलबल ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करती हैं और अगर वो अपना फूड डेड सबस्टेट से लेती हैं तो वो सेप्रोफाइट कहलाती हैं अगर वो डेड लिविंग प्लांट और एनिमल अगर डेड पे डेड से फूड लेती हैं तो सेप्रोफाइट हैं अगर लिविंग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड हैं फूड के लिए तो पैरासाइट हैं ये सिम्बायोटिक भी हो सकती हैं जैसे एलगी के साथ मिलके ये लाइकेन बनाती हैं और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ मिलके माइकोराइजा बनाती हैं फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन भी होता है और वो वेजिटेटिव एसेक्शुअल और सेक्शुअल तीन तरीके से हो सकता है तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से फिज़न से और बडिंग से होता है जबकि एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो स्पोर फॉर्मेशन से होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन फिज़न और बडिंग से होता है बडिंग किसके लिए इस्तेमाल किया गया बेसिकली ईस्ट के लिए और फिज़न किसके लिए ईस्ट के लिए फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस, फंजाई जितनी भी हैं इसलिए रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है जैसे कोनीडिया पहला दूसरा स्पोर एनजीओ या फिर जू तो कोनीडिया इस्पोरजियो स्पोर और जू स्पोर ये तीनों ए सेक्शुअल स्पोर हैं जबकि ऊ एस्को एस्कोस्पोर बेसिडियो स्पोर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले सेक्शुअल स्पोर हैं तो इनको मार कर ये ध्यान रखिएगा बहुत सारे यू स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं और वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर से कवर कर दिए जाते हैं कई बार प्रोटेक्शन के लिए जिन्हें फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो साइकिल है उसमें तीन स्टेप होते हैं फंजाई में पहला है प्लाज्मोगेमी दूसरा है कैरियोगेमी और तीसरा है मियोसिस प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी मियोसिस तो सबसे पहले दो हाइफ़ी या दो माइसिलियम कह लीजिए नज़दीक आएंगे उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा चाहे वो मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमिट दोनों तरह के प्रोड्यूस कर सकते हैं तो फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमिट्स कॉल कॉल्ड प्लाज्मो तो प्रोटोप्लाज्म प्रोटो का फ्यूज़न होगा और तो दूसरे नंबर पे जब फ्यूज़न हो गया तो उसके बाद कैरियो होगी मतलब उनके न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा और फिर उसके बाद उनमें मियोसिस होगी तो ये प्लाज्मो जब होगी जैसे ही प्लाज्मोगेमी होगी दोनों के न्यूक्लियस एक ही साथ, कॉमन साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे तो उसे क्या बोला जाएगा डाई कैरियॉन सब में नहीं आती है लेकिन जैसे एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टिज इनमें डाईक्रियॉन स्टेज देखने को प्लाज्मोगेमी के बाद मिलती है और कैरियोगेमी होने के बाद दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो हैप्लॉयड न्यूक्लियस फ्यूज़ होकर डिप्लॉयड जाइगोड बनाते हैं तो जो कैरियोगेमी है उसके बाद एक न्यूक्लियस बन जाता है तो सिन कैरियॉन बोलते हैं तो प्लाज्मो से क्या आती है डाई कैरियॉन या डाई कैरियो फेज बोल सकते हैं और कैरियोगेमी के बाद सिन गेमी कैरियो गेमी के बाद सिन कैरियॉन आता है जो एक न्यूक्लियस की वजह से बोलते हैं और उस जाइगोट में जो डिप्लॉयड है उसमें मियोसिस हो जाने की वजह से हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाते हैं जो जर्मिनेट होकर नए नए माइसीलियम बनाते हैं वैन फंग फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हेप्लॉड हाइफी तो ये आगे प्रोसेस बता रहे हैं एन में कि जब फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो दो हेप्लॉयड हाइफी जो कॉम्पैटिबल है मेटिंग के लिए वो नज़दीक आते हैं कम टूगेदर और फ्यूज़ हो जाते हैं प्लाज्मोगेमी कुछ फंजाई में ये फ्यूज़न ऑफ टू हैप्लॉयड सेल इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड सेल मतलब जैसे ही प्लाज्मोगेमी होगी उसी के साथ कैरियोगेमी हो के वो डिप्लॉयड जाइगोड बना लेंगे लेकिन कुछ ऐसी हैं जैसे एस्को और बेसिडियोमाइसटी जिनमें ये इमीडिएट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ना हो के थोड़ा सा डिले होता है थोड़ा टाइम लेता है तो इसकी वजह से एक इंटरवेनिंग डाई कैरियोटिक स्टेज बन जाती है जिसमें एन प्लस एन दोनों एम्प्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं टू न्यूक्लियाई पर सेल इस कंडीशन को डाई कैरियोन कहते हैं और इस फेज़ को डाई कैरियो फेज फंगस का कहते हैं फिर वो दोनों पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो के डिप्लॉयड बन जाते हैं और फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेती है जिसके अंदर उस फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर अंदर फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर याद रखिएगा द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीज़न मतलब मियोसिस होती है और जो हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है आगे हम देख रहे हैं कि फंजाई को किस बिहेव पे डिवाइड किया गया है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग पार्ट में मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज़ के आधार पर इनको अलग अलग डिवीज़न में बांटा गया अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है तो आप देखेंगे इन्होंने लिखा है तीन चीजें मार्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन फौर एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस तो पहली क्लास हम लोग बात कर रहे हैं फाइकोमाइसटीज इसके मेंबर हैबिटेट में रहते हैं डिकेइंग वुड इन मोयस्ट एंड डैम्प प्लेसेज दलदली इलाके एंड ये ऑब्लिकेट पैरासाइट होते हैं प्लांट के ऊपर ऑब्लिकेट पैरासाइट मतलब इशेंशियली इनको वो प्लांट चाहिए ही चाहिए द माइसीलियम इनका एसेप्टेड सीनोसिटी होता है और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं जू स्पोर से जू का मतलब मोटाइल और ए प्लेनो स्पोर से भी मतलब नॉन मोटाइल और ये स्पोर्स जो है वो इंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोर एनजीएम के अंदर इनके अंदर एक जाइगो स्पोर बनता है जो गेमिट के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है जिसे नेम ऑफ जाइगोट जाइगो स्पोर बोला जाता है इसमें गेमिट्स मार्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं अगर फ्यूज़ हो रहे हैं तो आइसोगैमस अगर डिसिमिलर हैं तो एनाइसोगस और ऊ के लिए कंडीशन है कि मेल गैमेट मोटाइल होना चाहिए और छोटा होना चाहिए फीमेल गेमिड स्टैटिक होना चाहिए और लार्ज होना चाहिए तो इसका मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आइसो आइसो और उगैमस किस तीनों टाइप से पाया जा सकता है इनके कॉमन एग्जाम्पल हैं म्यूकर राइजोपस जिसे ब्रेड मॉल्ड भी कहते हैं एल्व्यूगो द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड है जो व्हाइट स्पॉट ऑन द मस्टर्ड लीव्स कॉज करती है तो ये है फाइकोमाइसिटीज नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एस्कोमाइसिटीज इनको कॉमनली सैक फंजाई कहा जाता है और ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे पेनिसिलियम लेकिन रेयरली या एक्सेप्शनली यूनिसेलुलर होते हैं जैसे ईस्ट या सेक्रोमाइसी ये सेप्रोफाइटिक डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी रह सकते हैं डिकम्पोजर हो हो सकते हैं पैरासिटिक लिविंग पे भी रह सकते हैं कॉप्रोफिलस जो गोबर पर ग्रो करती है फंजाई उसे कॉप्रोफिलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग ऐसे भी हो सकते हैं और इनका माइसीलियम ब्रांसड भी होता है और सेप्टेट भी होता है ए सेक्शुअल स्पोर एस्कोमाइसिटीज़ में कोनीडिया होता है जो एक्जोजिनसली प्रोड्यूस होता है स्पेशल माइसिलियम जिसका नाम है कोनीडियो फोर्स पर प्रोड्यूस होता है अभी आपने देखा जब हमने फाइकोमाइसिटीज़ आपको पढ़ाया तो मैंने बताया कि स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर इंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं जबकि एस्कोमाइसिटीज़ में आप देखेंगे कि ए सेक्शुअल स्पोर कोनीडिया एक्जोजिनसली प्रोड्यूस होता है स्पेशल माइसिलियम कोनीडियो फोर पे कोनीडिया जर्मिनेट होके नए नए माइसिलियम बनाते हैं और सेक्सुअल स्पोर को हम लोग एस्को स्पोर कहते हैं जो इंडोजिनसली एक सैकलाई एस्कस या एस्काई के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये एस्काई अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ में उन फ्रूटिंग बॉडीज़ को एस्कोकार्प कहते हैं तो यहाँ आपको ध्यान रखना है सबसे बाहर होगा एस्कोकार्प इज इक्वल टू फ्रूटिंग बॉडीज जिसे कहते हैं उस एस्कोकार्प के अंदर पाए जाएंगे एस्कस अकेले को सिंगुलर को और अगर एक से ज़्यादा एस्कस हैं तो एस्काई और एक एस्कस के अंदर चार एस्को स्पोर जनरली पाए जाते हैं तो आप ध्यान रखें इस बात को कि सबसे बाहर एस्कोकार्प उसके अंदर एस्कस या एस्काई और उसके अंदर एस्को स्पोर जो कि मियोसिस के बाद प्रोड्यूस होते हैं तो ये सीक्वेंस लिख लेना एस्कोकार्प बाहर फिर उसके अंदर एस्काई या एस्कस और उसके अंदर एस्कोस्पोर कुछ एग्जाम्पल इसके हैं एस्परजिलस है क्लेविसेप्स है, है एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड देता है जानते हैं क्लेविसेप्स है, है न्यूरोस्पोरा है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ किया गया है बहुत सारे मेंबर्स इसके ऐसे हैं जैसे मॉरल्स हैं या ट्रफल्स हैं जो खाने के काम आते हैं और जो बहुत ही डेलीसियस होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा बेसिडियोमाइसिटीज आप देखते रहिए कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम मशरूम बहुत अच्छे से आप परिचित होंगे इन्हें कॉमनली मशरूम कहते हैं ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं पफ बॉल्स भी कहते हैं ये मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं जो डंडे होते हैं लकड़ी के लट्ठे ऑन लॉक्स उस पर हो सकते हैं पेड़ के ठूंठ ट्री स्टम्प पर ग्रो कर सकते हैं लिविंग प्लांट पे पैरासाइट के तौर पे हो सकते हैं और डिजीज भी कॉज करते हैं जैसे रस्ट डिजीज कॉज करता है कौन पक्सीनिया स्मट डिजीज कॉज कौन करता है अस्टिलेगो माइसिलियम इनका भी ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है ए सेक्शुअल स्पोर्स जनरली नहीं पाए जाते लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से बहुत कॉमन है सेक्स ऑर्गन अबसेंट होते हैं लेकिन प्लाज्मो गेमी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सेक्स ऑर्गन अबसेंट होते हैं लेकिन प्लाज्मोगेमी होती है दो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स जो कि डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप की होती हैं उनके फ्यूज़न से तो याद रखिए सेक्शुअल स्पोर अब्सेंट हैं फ्रेगमेंटेशन कॉमन है सेक्स ऑर्गन एबसेंट हैं लेकिन प्लाज्मोगेमी दो डिफरेंट स्ट्रेन दो डिफरेंट जीनोटाइप या दो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल के बीच में फ्यूज़न से होती है और रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो डाइकैरियोटिक स्टेज होता है जो कि अल्टीमेटली देता है बेसिडियम और कैरियोगेमी और मियोसिस उसी बेसिडियम के अंदर होने के बाद चार बेसिडियो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और बेसिडियो स्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन द बेसिडियम तो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज कौन है यहाँ पे याद रखिएगा तीन वर्ड यहाँ भी हैं बेसिडियोकार्प बेसिडियम या बेसिडिया और बेसिडियो स्पोर तो याद रखिए फ्रूटिंग बॉडीज कौन है बेसिडियोकार्प और बेसिडियोकार्प जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है उस पर है बेसिडियम या बेसिडिया एक्सोजिनसली और उसके अंदर हैं बेसिडियो तो स्पोर तो स्पोर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होंगे बेसिडियो स्पोर अगर पूछा जाए तो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे किस पर बेसिडियम पे और बेसिडिया जो है वो किस पर अरेंज होगा फ्रूटिंग बॉडीज़ कॉल्ड बेसिडियोकार तो फ्रूटिंग बॉडीज़ यहाँ पे बेसिडियोकार फिर बेसिडिया और फिर बेसिडियो इस्पोर कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे अगरिकस मशरूम है स्टिलेगो है और स्मट डिजीज़ कॉज करता है पक्सिनिया है रस्ट फंजाई है और नेक्स्ट आते हैं ड्यूटेरो पे कॉमनली हम लोग इन्हें इम परफेक्ट कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ए सेक्शुअल आरवेजीटेटिव फेज इस फंजाई का तो हम जानते हैं लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या सेक्शुअल फॉर्म इसका अभी तक खोजा नहीं गया है इस वजह से हम इसे इम फंजाई कहते हैं जब डिस्कवर हो जाएगा इसका सेक्सुअल फॉर्म तो ये देखा जाएगा कि ये किससे रिजम्बल करता है और इसे राइट right क्लास में सही क्लास में जिससे ये संबंधित होगा उसमें रख दिया जाएगा हाँ ये पॉसिबल है ये संभव है कि ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव स्टेज को एक नाम दे के आप ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर रख सकते हैं अभी एंड द सेक्शुअल स्टेज अनदर जब भी आएगी सेक्सुअल स्टेज के बारे में हमें जानकारी होगी तो हमें इसे अनदर क्लास में मूव कराना पड़ेगा लेटर द लिंकेज वाज वॉज ठीक है द फंजाई वेयर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूवड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटी। जब हम इसका करेक्ट लिंक इसके बारे में पहचान लेंगे कि इसे कहाँ रखना चाहिए एग्जैक्टली exactly. तब तो जब तक नहीं खोजा जा रहा है तब तक तो इसे अलग से ही ड्यूटेरों में रखेंगे लेकिन जब इसे एग्जैक्टली exactly लिंक को पहचान लेंगे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इसे ड्यूटेरे से बाहर करेंगे और जब परफेक्ट सेक्शुअल स्टेज डिस्कवर्ड हो जाएगी तो हम इसे एस्को या बेसिडियो जिससे ये रिजम्बल करता होगा उसमें हम मूव करा देंगे इसे ओके और ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल और केवल ओनली बाई ये सेक्शुअल स्पोर को नीडिया से रिप्रोड्यूस करता है माइसीलियम ब्रांसड और सेप्टेट होते हैं बच्चों और कुछ मेंबर इसके सेप्रोफाइड डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं कुछ लिविंग पे जो पैरासाइट होते हैं तो कुछ सेप्रोफाइड भी हैं और कुछ पैरासाइट भी हैं लेकिन ज़्यादातर नंबर इनका डिकम्पोजर का है जो लीटर को डिकम्पोज करते हैं और मिनरल साइक्लिंग में मदद करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं अल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकम ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा अल्टरनेरिया की बात करें ये सब डिजीज कॉजिंग फंजाई हैं तो इनको आप ध्यान रखेंगे अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोलाइटो ट्राइकम रेड रॉट ऑफ सुगर केन ट्राइकोडर्मा भी डिजीज कॉजिंग होता है